नमस्कार मित्रों, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। आप अपने बच्चों को नेगेटिविटी से सेफ रख सकते हैं, अपनी ऊर्जा को सेफ रख सकते हैं और एनर्जी को सील कर सकते हैं। और जो लोग पाठ करते हैं, भजन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रेकी करते हैं, किसी भी तरह से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं, उनको अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए अत्यधिक जरूरी है ये। और ये आपको रेकी थर्ड का सिंबल दूंगा जिसके लिए किसी रेकी अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती। रेकी में कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो बिना किसी अट्यूनमेंट के काम करते हैं। आमतौर पर रेकी में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, लेकिन उनके लिए जब आपको कोई गुरु टीचर आपका उन सिंबल के साथ अट्यून करता है तभी वो आपके लिए एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके बिना वो काम नहीं करते। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते, यदि आप वैसे भी किसी का उपयोग कर लेंगे तो 5-4% तो आपको असर दे देंगे, लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा तो बिना उसके मेहनत करें। लेकिन आपको एक ऐसा सिंबल देता हूं जो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखेगा, कोई भी नेगेटिविटी कैसी भी हो आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगी। जो लोग किसी भी तरह से पाठ पूजा मेडिटेशन रेकी कुछ भी करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। आपके बच्चे घर से निकलते हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है उनके बच्चों को जैसे ही कोई देखता है वो घर पे आते हैं और बीमार हो जाते हैं। तैयार होकर घर से निकलते हैं, बच्चे तुरंत बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जिसको कहते हैं नजर लग गई। वो क्या नजर लगी? किसी ने उनको इस प्रकार की ऊर्जा से देखा कि उसके माइंड से एक ऊर्जा पैदा हुई जो कि नकारात्मक थी और आपके बच्चे को आके लग गई। आपके बच्चे का ऑरा उसकी एनर्जी रिसीविंग मोड में है, वो जो भी आता है उसको बिना फिल्टर किए रिसीव कर लेती है। उन लोगों को जल्दी जल्दी नजर लगती है कैसे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखे। और क्या होता है, असल में जो लोग पाठ भजन करते हैं, रेकी करते हैं इत्यादि, किसी भी तरह से कुछ जुड़े होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी रेकी एनर्जी जनरेट होती है और ऊपर से आती है, बॉडी में भर जाती है। इसलिए पाठ भजन रेकी मेडिटेशन के बाद वो कुछ शांति महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। थोड़ी ही देर में वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं चला जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो आ रही है बॉडी में, लेकिन अनजाने में ही, क्योंकि रेकी का ये लॉ है, एनर्जी का लॉ है, रेकी का नहीं एनर्जी का लॉ है। ये सिद्धांत है कि एनर्जी वैसे ही प्रवाहित हो जाएगी जैसे पानी होता है। यहां से अगर मैं जग्स में ऐसे पानी अलटूं तो क्या होगा, वो नीचे धरती में चला जाएगा। सब कुछ धरती खींच लेती है, एनर्जी का भी लॉ है। एनर्जी जब आपके सामने, आपसे कोई लो एनर्जी का कोई नेगेटिव इंसान आएगा, कोई लो एनर्जी का इंसान आएगा, वो आपकी एनर्जी को चूस लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपसे बात करते करते चूस लेगा। आपसे कोई बात कर रहा है, फोन पे ही बात कर रहा है, फोन पे आपसे बात कर रहा है और उसकी एनर्जी प्यासी है, भूखी है, नेगेटिव है उसकी एनर्जी, वो आपकी एनर्जी सिक कर लेगा, खींच लेगा। और आप अपने आप में एकदम से महसूस करेंगे पूरी बॉडी लो हो गई, कहीं दर्द होने लग गया, शरीर में जान नहीं रही, चुस्ती फुर्ती थी सारी चल गई, आलस आ गया इत्यादि आप फील करते हैं। तो एनर्जी को कैसे अपनी को प्रोटेक्ट रखा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चे आपके घर से बाहर जाते हैं उनके ऊपर ये सिंबल आप लगा दें, उससे कोई मतलब नहीं, आप रेकी करते हैं नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल लगा देंगे ये, आपके बच्चे 24 घंटे के लिए प्रोटेक्ट हो जाएंगे। कोई भी सिंबल्स हैं वो 24 घंटे के लिए काम करते हैं, उनके बाद दोबारा उनको अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा ही एक सिंबल दूंगा आपको जो कि रेकी थर्ड का सिंबल है, उसे कहते हैं उद्रिका सिंबल। तो मैं इसे रेकी थर्ड में देता हूं। आजकल वो सिस्टम नहीं है क्योंकि मैं जो रेकी सिखाता हूं मैं तो वैसे सिखाता हूं जैसे आज से 15-20 साल पहले सिखाई जाती थी। तो 3 लेवल में ही मैं सारी रेकी करवा देता हूं। आजकल इसी के 10 लेवल किसी ने 8, किसी ने 12, किसी ने 15 बना दिए हैं। जो कुछ मैं 3 में करवाता हूं वो 12 या 15 में करवाएंगे, क्योंकि रेकी आजकल महंगी हो गई है बहुत, फीस उसकी वो लाखों में लेते हैं। तो अगर किसी को इकट्ठा बोलेंगे लाखों में तो वो नहीं भरेगा, इसलिए उसने टुकड़े कर दिए। तो वो उसको धीरे धीरे एक एक पार्ट में सिखाते हैं, थोड़े थोड़े सिंबल देते जाते हैं। लेकिन जो आपको सिंबल दे रहा हूं आज, इसके लिए किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन की आपको
या अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है और आपकी सारी एनर्जी 24 घंटे के लिए सील्ड हो जाएगी। ये कौन सा सिंबल है, इसको कहते हैं उद्रिका। कहीं आपको उल्टा ना दिख रहा हो तो आपको मैं करके बता देता हूं एक बार, ठीक है, बना के बता देता हूं कैसे बनाना है सिंबल। सिंबल बनाने के लिए आप सिंपल काम करेंगे, एक राइट साइड आपकी, राइट साइड से इस तरह एक सीधी लाइन, आपने ईसाइयों का क्रॉस देखा होगा बिल्कुल वही सिंबल है ये। पहला राइट से लेफ्ट एक इस तरह से लाइन, दूसरी ऊपर से नीचे, राइट से लेफ्ट की तरफ एक लाइन, दूसरी ऊपर से नीचे, हवा में ही बना दे ये उद्रिका सिंबल बन गया। आपके ऑरे को प्रोटेक्ट कर देगा, आपके चक्रों की ऊर्जा को प्रोटेक्ट कर देगा। जब बाहर से कोई नेगेटिविटी आती है सबसे पहले वो ऑरे को मार करती है। तो बनाएंगे कैसे, ये राइट साइड आपकी, ठीक है, अभी आपको देखने में शायद उल्टा दिखे क्योंकि फ्रंट कैमरा है, तो ये राइट साइड है मेरी, ये राइट साइड है। राइट साइड से पहली लाइन में थोड़ा नजदीक कर देता हूं, सीधी लाइन खींचू मैंने राइट से लेफ्ट, ये मेरी राइट है, राइट से लेफ्ट, दूसरी ऊपर से नीचे, ये बन गया उद्रिका सिंबल, ठीक है। इधर से इधर, दूसरी ऊपर से नीचे, ठीक है, ये देख लें, राइट से लेफ्ट, दूसरी ऊपर से नीचे, ये बिल्कुल ईसाइयों का क्रॉस जैसा बन गया, ठीक है। जो क्रॉस को है उसको यीशु मसीह के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन वो उससे भी बहुत पुराना है, वैसा ही ये रेकी सिंबल्स है, ये वैसे ही काम करता है। कैसे अप्लाई करेंगे, और फिर बाद में ना पूछें मेरी अट्यूनमेंट नहीं हुई, वो नहीं हुआ, आपको कोई इसके लिए अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं। रेकी में कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो बिना अट्यूनमेंट के काम करते हैं, बाकी नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन कुछ सिंबल हैं, उन्हीं में से ये उद्रिका सिंबल। हवा में कैसे अप्लाई करेंगे, ऐसे राइट साइड से मैं एक लाइन खींचूंगा हवा में ही, एक दूसरी ऊपर से नीचे उद्रिका, इसको तीन बार अपने ऊपर अप्लाई करूंगा, कैसे, ये मैंने हवा में बना दिया, ठीक है। दूसरा उद्रिका उद्रिका उद्रिका, तीन बार मैंने उसको ऐसे टच करके अपनी तरफ हवा में ही फेंक दिया, और बोलूंगा मैं प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, सुरक्षा हो सुरक्षा हो सुरक्षा हो, तीन बार मैं इस तरह से बोल दूंगा, सुरक्षा हो सुरक्षा हो सुरक्षा हो, उद्रिका उद्रिका उद्रिका, तीन बार नाम उच्चारण करना है, तीन बार बोलना है प्रोटेक्शन हो प्रोटेक्शन हो प्रोटेक्शन हो। बच्चे हैं आपके, घर से बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उनकी एनर्जी लीक ना हो, क्योंकि एनर्जी अपने आप बह जाएगी। आपके सामने कोई नेगेटिव आदमी आएगा वो आपकी एनर्जी को खींच लेगा, कोई नेगेटिव आदमी आपके बारे में सोचने भी लग गया आपसे एनर्जी ले लेगा, ये ऊर्जा का सिद्धांत है अपने आप। इसलिए बच्चों के ऊपर इस तरह से बनाया, बच्चों के पास में उसकी छाती के ऊपर बना दें ऐसे ही, उद्रिका 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 उद्रिका, तीन बार बोल दिया प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, 24 घंटे के लिए बच्चे की एनर्जी सील हो जाएगी, और जो आप पाठ भजन रेकी कुछ भी मेडिटेशन करते हैं आपकी एनर्जी सील हो जाएगी, साथ में प्रोटेक्शन भी और सील भी हो जाएगी। तो 24 घंटे के लिए आपकी ऊर्जा बच जाती है, दोबारा इस सिंबल को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर, 24 घंटे बाद दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। धन्यवाद, नमस्कार।